गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल आवर टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर इन ए टैबलेट। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि किस तरीके से हम टैबलेट के ऊपर फाइल या फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सो बेटा, इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज एनी फाइल और फोल्डर, अगर आपको फाइल किसी भी फाइल या फोल्डर को एक टैबलेट के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, सो यू सिंपली नीड अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन। तो आपको बेटा किसी भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे वर्क करेंगे बेटा हम विद द हेल्प ऑफ ES फाइल एक्सप्लोरर। वो क्या है? आपका एक फाइल मैनेजर है, ओके, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, टैबलेट के अंदर फाइल या फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी परफॉर्म ऑपरेशंस, हम किस तरीके से बेटा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन अवर फाइल एंड फोल्डर। सो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ES एक्सप्लोरर। आप ES एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करोगे, ओके, क्लिक करने के बाद यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड एनी फाइल एंड फोल्डर। आपको कोई भी फाइल या फोल्डर को होल्ड करना है जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आप बच्चे डिफरेंट काइंड के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कट। कट कमांड इज़ यूज टू मूव फाइल एंड फोल्डर्स। अगर आपको फाइल या फोल्डर की लोकेशन चेंज करनी है तो आप किस कमांड का यूज़ करोगे? कट का। कॉपी कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है। रीनेम कमांड इज़ यूज टू चेंज द नेम। अगर फाइल एंड फोल्डर को रीनेम करना है, उनके नेम को चेंज करना है, तो यू यूज़ रीनेम कमांड। इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट, अगर आपको डिलीट करना है फाइल फोल्डर को, डिलीट कमांड। सिलेक्ट ऑल कमांड इज यूज टू सिलेक्ट फाइल फोल्डर। जितने फाइल फोल्डर हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट शॉर्टकट। शॉर्टकट कमांड बेसिकली यूज फॉर क्रिएटिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कमांड। एंड प्रॉपर्टी इज यूज टू चेक द प्रॉपर्टीज लाइक साइज, टाइप, वी यूज प्रॉपर्टी कमांड। ओके, नेक्स्ट इज चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द व्यू, दैट मीन्स अगर आपको आपके फाइल एंड फोल्डर्स का लुक चेंज करना है, उसका व्यूज चेंज करना है, तो कैसे करते हैं? स्टेप वन इज टैप ES एक्सप्लोरर। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चे, ES एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन एट द बॉटम। ये थ्री डॉट्स वाला जो आइकन है, आप इस पर क्लिक करो। नेक्स्ट स्टेप, टैप सेटिंग ऑप्शन। कहाँ पे जाना है बच्चे? टैप सेटिंग ऑप्शन पे आपको जाना है। स्टेप फोर, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशन आपको परफॉर्म होगी। टैप आइकन, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हम आइकन्स की फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं, स्मॉल साइज्ड आइकन की फॉर्म में, तो हम आइकन ऑप्शन पे प्रेस करते हैं। अगर आप लिस्ट फॉर्म में चाह रहे हो फाइल एंड फोल्डर्स को, तो आप लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड, दैट मींस अकॉर्डिंग टू टाइप, साइज एंड डेट आप फाइल एंड फोल्डर्स को अरेंज करना चाह रहे हो, तो यू क्लिक ऑन डिटेल्ड ऑप्शन। तो आपको किस पे क्लिक करना होगा बच्चे? डिटेल्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, इसकी हेल्प से क्या होगा, आपके फाइल एंड फोल्डर टाइप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाएंगे। एट लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन, ठीक है, रिटर्न आइकन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्टिंग, कि आप किस तरीके से बेटा फाइल एंड फोल्डर को शॉर्ट कर पाते हो। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग फाइल एंड फोल्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सेम एज इट इज़। फर्स्ट क्लिक ऑन ES एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर पे क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन दिस आइकन एट बॉटम। बॉटम पे ये जो आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है बच्चे। एंड नेक्स्ट हम किस पे क्लिक करेंगे बेटा? शॉर्ट बाय ऑप्शन पे, ठीक है। शॉर्ट बाय ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको क्या होगी बेटा, लिस्ट अपीयर हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो डाटा को, ठीक है। फर्स्ट दैट इज़ नेम, हम किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं बेटा? नेम्स के अकॉर्डिंग। हम फाइल एंड फोल्डर को किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट शॉर्ट करेंगे? नेम्स के अकॉर्डिंग, लाइक या तो ए टू जेड फॉर्म में, या फिर जेड टू ए फॉर्म में। टाइप के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जिस टाइप का आपका डाटा फाइल्स है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है साइज के अकॉर्डिंग, जो लार्ज फाइल्स होंगे वो एक तरफ, स्मॉल फाइल्स एक तरफ, ठीक है। मॉडिफाइड, दैट मीन्स आपने लास्ट जो मॉडिफिकेशन डेट है, जिसमें चेंजेस किए हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग। या फिर रैंडमली, दैट मीन्स कोई ऑपरेशन कोई नॉर्मली रैंडमली आप उनको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू टैप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज करना चाह रहे हो। लास्ट स्टेप इज़ टू क्लिक ऑन दिस आइकन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो आपके फाइल एंड फोल्डर्स क्या हो जाएंगे बच्चे? शॉर्ट हो जाएंगे, ओके?